रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद व आभार। करवा चौथ, सुहागिनों ने रखा करवा चौथ का व्रत, चंद्रदेव से मांगी पति की लंबी आयु। रायबरेली, करवा चौथ पर रविवार को सुहागिनों ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा और अपने पति के दीर्घायु होने तथा सुखी गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद मांगा। पूजन के बाद उन्होंने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इससे पहले अपने पति का दर्शन किया। घरों की छतों और आंगन में रंगोली बनाई गई। रात में चांद के उदय होते ही छतों और आंगन में महिलाओं ने चंद्रदेव का पूजन किया और उन्हें अर्घ्य समर्पित किया। विधि विधान से पूजन के बाद पतियों ने उन्हें जल पिलाया और उनका व्रत तोड़वाया। सुहागिनों ने घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। लंबी रही चांद के निकलने की घड़ियां, कराया इंतजार। श्रृंगार करके महिलाएं शाम से ही आसमान की ओर निहारती रही कि चंद्रदेव कब निकलेंगे। आज चंद्रदेव ने उदय होने में सुहागिनों को काफी प्रतीक्षा कराई। घर के बच्चे भी आसमान की गतिविधियों पर नजर रखे थे और पल पल की खबर अपनी माताओं को देते रहे। शुभ मुहूर्त में हुआ करवा चौथ का ये किस लिए व्रत ये रहा जाता है? पति की लंबी आयु के लिए। और ये व्रत रहने से जो है हर सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रहती हैं। इसमें जो है सात भाइयों की एक बहन थी, जो है वो बहुत ही भाइयों उनके भाई जो थे वो अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और जो है करवे का व्रत पड़ा तो उसने भी व्रत रखा, उनकी भाभियों ने भी व्रत रखा। लेकिन जो है जो भाई थे वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसे भूखा प्यासा देख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जो है नकली चांद बनवाया और जो है उसको दर्शन करवा दिए। और जो है जब नन ने कहा अपनी भाभियों से कि भाभी चांद निकल आया है, आप भी दर्शन करके व्रत अपना खोल लीजिए, तो जो है उनकी भाभियों ने कहा कि जो है ये अभी मेरा तो चांद नहीं निकला है, आप दर्शन कर लिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही वो प्रसाद खाने लगी, पहला एक और खाया तो उसमें उसके बाल निकल आया, तो जो है उसके बाद दूसरा कौर खाया तो उसके बाद जो है उसमें भी बाल निकला, तीसरे कौर में उसके पति की बीमार होने की खबर आ गई। पूजा में कौन कौन शामिल है आपके साथ में? मेरी सारी तीनों जिठानियाँ। क्या नाम है इन लोगों के? अंजलि भाभी, मनीषा भाभी, अर्चना भाभी। कितने साल से रह रही हैं? मुझे तो 7-8 साल है। आपको? मेरा 16 साल। आपको? 12वां साल। वो फर्स्ट ईयर उनका पहला है। मेरा पहला।